ये सैमसंग का 7 बटन है, ऑन हो रहा है। ये 2 महीना पहले हम इसमें काम किए थे, ये ट्रांसफार्मर लगाए, ये ट्रांसफार्मर का जो 2 आर है फेस न्यूट्रल यहाँ से दे दिए थे और यहाँ पे 12 वोल्ट दे दिए थे, क्योंकि यहाँ पे 12.5 वोल्ट बन गया। ये ऑन होता है लेकिन ये ड्रेन मोटर नहीं खींचता है, इनलेट वाल्व भी ऑन नहीं होता, ठीक है, और मोटर भी नहीं चलता। टेक्नीशियन जो लेके आया यही बोल रहा, तो इसमें सप्लाई देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। और डोर लॉक को आपस में जोड़ दिए हैं, देख सकते हैं, और एक और डोर लॉक को आपस में जोड़े, पहले यहाँ पे कनेक्टर सब लगा देते हैं, उसके बाद सप्लाई दें। फेस ब्लैक वाला इसमें फेस है, ठीक है, ये लग गया, और ये ड्रेन मोटर का है, ये भी लग गया। डोर लॉक आपस में यहाँ पे शॉर्ट है और एक डोर लॉक का एक यहाँ पे शॉर्ट है, ठीक है। इसमें आप सप्लाई देते हैं, क्या होता है, सप्लाई दिए ऑन हुआ, ठीक है, इसी भी ऑन हुआ, यहाँ से ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, उसके बाद यहाँ देखो स्पिन में सेट करते हैं, स्पिन में सेट कर दिया, 9 मिनट का टाइम लगा है, ठीक है। और ये जो है ये खींचना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट पुश बटन है, ठीक है, यहाँ से देखो स्टार्ट किया, ये बिलिंग करना स्टार्ट किया, वो ड्रेन मोटर देख लो नहीं खींचता। और 2 महीना पहले इसको जो बना के दिए थे सारा ओके हुआ था, देखो इनलेट वाल्व भी ऑन नहीं हुआ, और यहाँ पे मोटर है, कुछ देर बाद मोटर भी ऑन होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा, कुछ देर वेट करते हैं, क्योंकि जब तक ड्रेन मोटर नहीं खींचेगा तब तक मोटर ऑन नहीं होगा। उसके बाद और ये टाइम भी घटेगा, तो देखते हैं कोई रजिस्टर वगैरह ख़राब तो यहाँ पे ना हो गया, पानी के कारण कुछ उड़ तो नहीं गया, पहले टाइम देखते हैं। ये देखो टाइम भी कम हो गया, लेकिन अभी तक ड्रेन मोटर देखो नहीं खींचा, ये जो रस्सी है ये निकला हुआ अभी तक, और इसमें सप्लाई नापते हैं तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा, 236 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। और ये मोटर का है और ये ड्रेन मोटर का, ये ब्लैक वाला, इसमें चेक करते हैं तो देखो 10 वोल्टेज बता रहा है इसमें, और इनलेट वाल्व में चेक करते हैं कितना बता रहा, ये देखो 3 वोल्ट। अच्छा मोटर का दोनों कनेक्टर में देखते हैं 3, इसमें भी 3, और ये वाला में देखते हैं इसमें भी 3 बता रहा, लेकिन टाइम जो है देख सकते हैं आप लोग टाइम भी कम हो रहा। टेक्नीशियन जो है वो परेशान हो गया, तो लेकिन यहाँ पे जो है कुछ गड़बड़ है, इसमें जो है इस पर देखते हैं, ये देखो यहाँ पे ये दो पिन दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे देखो यहाँ पे या तो रजिस्टर या तो कुछ तो लगता है यहाँ पे नहीं है, वो फट गया है। वालेकुम सलाम, यहाँ देख इस तरफ आ रहा है लेकिन इस तरफ ना कहाँ गया, तो इसको देखते हैं दूसरा बोर्ड में क्या है। इस तरफ सप्लाई देख लेते हैं कितना देख, ये देखो इस तरफ 237 वोल्टेज आ रहा है, लेकिन इस तरफ का कुछ तो हो रहा हुआ, तो मेरे पास एक सेम बोर्ड और है तो उसमें देखते हैं क्या लगा हुआ है। इसका सप्लाई निकाल दिया, बंद कर दिया, एक और बोर्ड है उसमें देखते हैं, ये बोर्ड है मेरा एक पास और, तो देखो इसी जगह पे यहाँ पे अप टू कपलर का जस्ट बाजू में ये देख सकते हैं एक वो ब्लैक कलर का सामान है लगा है, तो ये क्या है इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे जो सामान लगा हुआ है ये छोटा सा, तो इस तरफ देखते हैं ये देखो B12 यहाँ से फेस से, और इस तरफ देखते हैं तो इस तरफ भी आना चाहिए, ये देखो इस तरफ भी B12, तो ये जो है क्वाइल है, तो उसमें तो लगा हुआ है ये ना वो क्वाइल जो वो उड़ गया, इसका थोड़ा ऊपर में लगता है बीच में,
तो हम लोग वहाँ पे क्वाइल बैठाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। यहाँ पे जो है क्वाइल लगा दिए है और इसका कनेक्टर वगैरह लगाते हैं, उसके बाद सप्लाई देते हैं इसमें। सप्लाई दे दिया, उसके बाद ऑन किया और स्पिन में 9 मिनट का सेट है और ये हुआ ड्रेन मोटर। देख यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ड्रेन मोटर खींचना चाहिए, ये देखो खींच रहा है, पूरा खींच लिया। उसके बाद मोटर भी चलना चाहिए, सवाल पुल में एक दो बार होता है। उसके बाद 6 मिनट हो गया, अब मोटर देखते चलता है, मोटर चल गया, अभी फिर रुकेगा मोटर, फिर चलेगा 5-6 बार वैसा होगा, उसके बाद कंटिन्यू चलेगा। ये देखो 5 मिनट हो गया और मोटर कंटिन्यू चल रहा है स्पिन में। अभी इसमें वाज भी चलाते हैं, इसको ऑफ करते हैं, ऑफ कर दिया और ये नॉर्मल मोड में चालू है। तो एक सेकंड प्रोग्राम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, प्रोग्राम सेट हो गया और बाकी यहाँ से पानी भी दे देते हैं, 1 पॉइंट देते हैं पानी वाटर लेवल का, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऑन करते हैं, देखो इनलेट वाल ऑन हो गया, ठीक है, आवाज़ भी आ रहा होगा। और बाकी इसमें पानी भरते हैं इंजेक्शन से प्रेशर स्विच में हल्का, बस बीच में वाश भी चल रहा है, एक बार लेफ्ट है एक बार राइट। अभी जो है ये पीसीबी रिपेयर हो गया, लगा दूँगा।